जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी स्टाफ के साथ आप लोगों की खिदमत में आज फिर हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आजकल जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो हॉट टॉपिक जो है वो चल रहा है, और बहुत से लोग इस बारे में इंक्वायरीज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि बैरियर टाउन के साथ क्या मामला होने वाले हैं, क्या बैरियर टाउन जो है वो दिवालिया होने वाला है, और इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की हुई है उनके क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हमें अपने जो है वो प्लॉट वगैरह सेल कर देने चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल देनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो बनाने का मकसद यही है कि कुछ जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक जो है वो शेयर की जाए। तो इन डिटेल्स के लिए आपने वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप तक जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ पोलिटिकल इशूज़ जो हैं वो भी मतलब जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा मतलब जो है बैरियर टाउन जो कराची है उसका जो मेन इशू हाईलाइट हुआ था पिछले कुछ अर्सा से, जो है वो मतलब जो है काफ़ी हाईलाइटेड है कि बैरियर टाउन जो कराची है उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसने जो एनओसी दिया हुआ था वो उसने कैंसिल कर दिया। अब एनीवेज जो है एनओसी कैंसिल करने की सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने जो रीज़न दिया है उसमें यही बताया कि बैरियर टाउन ने जो है ये अपनी अप्रूवल के लिए जो स्क्रूटनी फीस और बाकी जो वाजिबात जो थे वो अदा करने थे, जिसके लिए उनको बारहा रिमाइंडर्स और शो कॉज नोटिस वगैरह भेजे गए, और इसको जो है वो उन्होंने परसों नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो एनओसी जो है इनका कैंसिल कर दिया। एनीवेज इनका ऑलरेडी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है आप लोगों के नॉलेज में, और जिसमें मतलब बैरियर टाउन वगैरह ने जो है बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने ये अपील ली थी कि हमने इनसे जो है वो ऑलमोस्ट 17,000 एकड़ के करीब जो है वो लैंड एक्वायर की थी और उसकी रिक्वेस्ट भेजी थी, और जबकि हमें जो है वो 12,000 एकड़ के करीब जो है वो लैंड अलॉट की गई। सेकेंडली जो लैंड रेट है पर एकड़ के हिसाब से वो रेट्स का भी कुछ कन्फ्लिक्ट है कि जी मतलब जो है आपने दूसरी किसी अथॉरिटी को सस्ते दामों जो है वो अपनी लैंड सेल की है और हमें जो है वो महंगी की है, तो हमारे पास मतलब जो है वो बैरिया मैनेजमेंट के पास पैसे अवेलेबल नहीं है इतने कि ये मतलब जो इसकी एक हैवी स्क्रूटनी फीस है 460 अरब और बाकी जो वाजबात मिला के ये पे किया जा सके। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये प्लीज इसलिए ली थी कि ताकि ये जो मतलब पेमेंट्स वगैरह हैं इसमें कोई कंसेशन या कोई रिलैक्समेंट वगैरह मिल जाए। तो इसको जो है वो मतलब इसी तरीके से परसीव किया गया कि शायद जो बैरिया है अब उसके पास जो है वो इतने वसाइल अवेलेबल नहीं है और बैरिया किसी टाइम भी जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। उसकी वजह से बैरिया टाउन कराची में तो स्पेशली इसका जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में भी होगा कि वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी उनको आइडिया होगा कि वहाँ पर 10 मरला की जो मतलब प्लॉट वगैरह था वो तकरीबन कोई 1 करोड़ से 1.25 करोड़ की रेंज में था, जो इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 70-75 की ब्रैकेट में आ गया है, और इसी तरह कनाल जो कि आपको 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान मिलता था वो इस वक्त 1.25 करोड़ मैक्सिमम या 1.5 करोड़ की रेंज के अंदर आपको मतलब 50% जो डैमेज है बैरिया टाउन को जो है इस वक्त इन चीज़ों की वजह से पड़ा है। ओवरऑल बैरिया टाउन कराची के लिए और बैरिया टाउन पेशावर के लिए एक जो है वो क्रूशल वक्त है, लेकिन बैरिया टाउन लाहौर में इस वक्त जो मामला हैं वो मतलब अभी स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं उनका मतलब पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जो एक इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा जो है वो शेकी हुआ है, जिसकी वजह से बैरियर टाउन लाहौर के अंदर भी जो ट्रेड का या बाइंग सेलिंग का काम था वो काफ़ी हद तक जो है वो मुंजमद हो गया और रेट्स वगैरह भी नीचे आना स्टार्ट हो गए। तो इसमें हमारी जो है वो आपसे मतलब जो है वो कोशिश यही होती है कि एक सिंसियर ओपिनियन जो है वो आप लोगों को दिया जाए। तो वो लोग जिन्होंने बैरियर टाउन लाहौर में कराची में या बैरियर टाउन के किसी प्रोजेक्ट में भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल वक्त और मामला जो है वो सोसाइटीज़ पे जो है वो आते रहते हैं, तो इसमें पैनिक होकर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो डिसॉल्व ना करें और खुद जो है वो नुकसान में ना जाए। तो जिन लोगों ने भी मतलब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, घर बनाए हुए हैं, प्लाजे बनाए हुए हैं, आपको पता है बैरियर टाउन जो है वो एक कोई सोसाइटी नहीं बल्कि एक शहर, मतलब हर जगह जहाँ पर जैसे बैरियर टाउन कराची है वो एक प्रॉपर एक शहर जो है वो लगता है, और बैरियर टाउन लाहौर जो है वहाँ पर भी देखें तो ऐसा लगता है कि लाहौर से बाहर जो है एक शहर आबाद है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि बैरियर टाउन जो है वो बैंकक्रप्ट होगा तो आके जो है यहाँ पे ताले लग जाएंगे और गवर्नमेंट आके यहाँ पे जितने भी मतलब जो प्लॉट्स हैं या मतलब बिल्डिंग्स हैं कर रहे हैं उन सबको जो है वो ख़त्म करवा देगी या मतलब मामला क्या होंगे, लेकिन डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क तो है कि आने वाले वक्तों में, क्योंकि जितने भी मतलब वहाँ पे लोगों ने बाइंग की भी है तो उनको बैरियर टाउन की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया, और इन केस अगर बैरियर टाउन जो है वाकई इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाता है तो आगे इसकी क्या मतलब जो है एक लीगल हैसियत होगी या क्या मामला होंगे वो हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो बाकी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो जैसे ही हम तक पहुँचेंगे कोशिश करेंगे आप तक भी लाजमी पहुँचाएं। तो मज़ीद आपको अगर हमारी अपडेट्स जो हैं वो पसंद आई हैं और इसके अलावा आपके कोई मतलब जो है क्वेश्चन है क्यूरीज है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं आप लोगों तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की सपोर्ट का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।